इस निकाह से राजी हुआ मैं, इस निकाह से बारकल्लाहु लक। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सात और आप देख रहे हैं सात ब्लॉग्स। सो गाइस, अभी बज रहे सुबह के 8:30 और मैं हूँ अभी प्रभानवली गांव में और अभी हमारी हो रही है शादी में जाने की तैयारी। सो आज आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा प्रभानवली गांव की और कोकनी शादी। एक्चुअली ये शादी रत्नागिरी में, तो अभी हम रत्नागिरी में निकल के हमारी तैयारी हो रही क्योंकि दुल्हन वहाँ की है, दूल्हा इस गाँव का है। अगर बात करें इस शादी की, तो ये शादी मेरे वाइफ के फूफी की लड़के की शादी है। जी हाँ, मेरी शादी तो हो चुकी है। मैंने आपको ही पहले बोला था कि मेरी शादी हो चुकी है, कब कैसे हुई ये मैं वीडियो में आपको आगे बोलूँगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बिना देर के जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो में एंड तक बने रहो। सो आज के वीडियो में हम गांव की कुकनी शादी देखेंगे, किस तरह से शादी होती है, और आपको मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी वाइफ से भी मिलाऊँगा। अब ये प्रभानवली गाँव जो आप देख रहे हो, एक्चुअली मेरा ससुराल ही है, यहीं मेरी वाइफ का घर है। मैं आपको सब आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलो अभी बिना देर के चलते हम सीधा रत्नागिरी, क्योंकि 8:30 11 बजे का निकाह है। तो चलो हम चलते और आपसे मिलते सीधा रत्नागिरी में। सो गाइस, अभी आप जो देख रहे हो, अभी हम आए दूल्हे के घर के पास। जो आप ये देख रहे हो, ये मंडप, ये दूल्हे का घर है इधर बाजू में ही। और अभी निकलने की तैयारी हो रही है बारात की। ये देखिए सामने, देखिए दूल्हे की कार। अभी दूल्हा घर से निकलेगा, अभी रत्नागिरी जाएंगे, 11 बजे का निकाह है। और देखिए, और ये देखिए दूल्हा निकलता हुआ। सो गाइस, फाइनली आ गए अभी हम रत्नागिरी। बहुत टाइम लगा रत्नागिरी आने, सो फाइनली अभी आ गए और अभी निकाह शुरू हो रहा है। तो चलिए अभी हम भी चलते हैं अंदर। ये देखिए दूल्हे की कार यहाँ खड़ी हुई और यहाँ सब है, और अभी हम यहाँ से चलते अंदर। सो देखिए इधर ही अंदर निकाह शुरू है। तो चलिए अभी हम अंदर चलते और अंदर चल के बैठते निकाह में। نكاح بنتك وتزويجها المسمى فيزا بنت بابو قلبي بمهر معجل مقداره 5,000 روبيات لها مهرها ورزيد لي بهذا النكاح ورزيت لي بهذا النكاح بهذا النكاح ورزيت لي بهذا النكاح جناب بابو إبراهيم علوي قبول کیا میں نے آپ کا میرے لیے निकाह कर देना। आपकी बेटी फिजा बाबू अलवी के साथ, जिसका नकद महर 5,000 रुपये है।
नियम है उसका अपना हक है और राजी हुआ मैं इस निकाह से, राजी हुआ मैं इस निकाह से। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुम फी खैर। सो गाइस, अभी निकाह हुआ, निकाह से अभी हम इधर आए जहाँ शादी है, हॉल की तरफ घर के उधर शादी है, अभी हम उस साइड आए। तो चलिए, अभी दूल्हा भी आता होगा। दूल्हा आ गया तो अभी हम आए। तो देखिए, यहाँ है शादी, ये मंडप बनाया हुआ है। ये हमारे दूल्हे मियां। कितना बोले? पांच बोले। एकदम कम बोले, एकदम कम बोले। उतने ले आओ, चलो चलो बिस्मिल्लाह बोल के चलो, हो गया। सो चलो पहले चल के अभी हम खाना खा लेते, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है और खाना भी शुरू हो चुका है और भूख भी हमें लग रही है। तो सबसे पहला चल के अभी हम खाना खा लेते। देखिए, यहीं खाने का इंतज़ाम किया गया, मंडप के बाजू यहीं खाने का इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया अभी हमारा खाना खा के। और माशाल्लाह खाना बहुत ही बेहतरीन, अच्छा टेस्ट था माशाल्लाह खाने का। तो हो गया अभी हमारा खाना खा के, और भूख भी बहुत लगी थी क्योंकि सुबह बिना नाश्ते के हम निकले थे। क्योंकि हम जिस लग्जरी से आए, शादी में जो लग्जरी बस रखे हुए थे, तो हम एक लग्जरी से आए, वो बोले थे 7:30 और 8 बजे निकलेंगी, और 11 का निकाह था, बोले 7:30 और 8 बजे लग्जरी निकलेंगी। तो इसलिए सुबह में 6:30 बजे मुझे उठना पड़ा बिना नाश्ते के। लेकिन लग्जरी जो हम बस से आए, वो बस निकली 9:15 बजे। तो हमें इतना जल्दी उठ के हम बिना नाश्ते से ऐसी आए, और अब भी खाना खाए, अब जाके अच्छा लगा। और अभी वापस से चलते हम मंडप में, जहाँ धुला है वहाँ चलते वापस से। तो चलिए चलते। देखिए, यहाँ खाना खिला रहे, यहाँ खाने का इंतज़ाम किया गया अंदर, यहाँ खाना खिला रहे। और बाजू में देखिए, ये है मंडप बनाया हुआ। और इस बस जो आपको बस दिख रही है लग्जरी, इसी लग्जरी से हम आए, और वहाँ रही धुले की कार, और ये लग्जरी। और वापस से चलते अभी हम मंडप में। चलिए, यहाँ सब औरतों लोग का खाने का इंतजाम किया गया है।
सो अभी दूल्हा दुल्हन खाने के लिए बैठे हुए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस फाइनली अभी विदाई होने जा रही है, तो अभी चलिए चलते हम अंदर। लाया उसको खड़े कर, पिज्जा खड़े हो जाए बेटा, बेटा तुझे साथ में कलम पकड़े बेटा, वो तुम्हारे काम उधर उस तरफ, उस तरफ आप जाओ, उस तरफ बेटा वहां ऐसा दो दो जा के इसमें जाएगा माने हम बच्चा ऐसा गोद में चल बेटा, दोनों हाथ में ऐसा हां ऐसा ले लो। अजय पापा चलो जाओ, गजन लो गाड़ी मंगा, गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई अच्छे से शादी। देख ली आपने, ये थी एक कुकनी शादी, और जो ये दूल्हा था ना वो मेरी वाइफ के फुप्पी का लड़का था, ये दूल्हा था, और हम मेरी वाइफ को आने नहीं मिला क्योंकि आपको एक मैं बात बोलना भूल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक प्यारा सा बेटा भी है जो बहुत सताता है, उस वजह से उसको आने नहीं मिला। सो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर ये शादी का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे एक और अच्छे ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय।